रहा हूं, आज तीन तीन आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इसमें कौन कौन थे सुन लीजिए, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक जौहरी थे, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी देवी प्रसाद पांडे भी मौजूद थे। सब ने कन्फर्म किया कि रेलिंग नहीं टूटी, लेकिन यूपी सरकार कहती है कि वो पता करेगी कि रेलिंग टूटी कि नहीं टूटी, इसके लिए एक महीने का वक्त दीजिए। बलिहारी ऐसी जांच पर, बलिहारी ऐसी जांच पर भाई। अतुल जी, मैं इसमें जो है वो आज जो दुर्घटना हुई है उसमें राजनीति के सब लोग इस बात का प्रयास करें कि जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब जब प्रेस नोट में, सरकारी प्रेस नोट में उल जुलूल तथ्य लिखे जाएंगे तो फिर जांच कैसी आएगी? ये तो भैया राम भरोसे है। अशोक सिंह साहब सही कह रहा हूं मैं? राजस्व परिषद के अतुल जी, सरकार के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था, 18 घंटे बीतने के बाद भी वो इलाहाबाद जा सकते थे, लोगों के हालचाल ले सकते थे। मैं ये, और आजम खान साहब से इस्तीफा ले लेना तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि आजम खान से इस्तीफा ले, पहले वो मंत्री हैं सरकार में, पहले उनको इस्तीफा मंत्री पद से देना चाहिए, नैतिकता जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, मगर अभी तक नहीं ली गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने मंत्री को भेज दिया, ये कहा था पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। अच्छा ये बात तो पवन कुमार बंसल पर भी लागू होती है ना सिंह साहब? अतुल जी मैं पूरी बात कह रहा हूं, अशोक जी नैतिकता के पैमाने ऐसे नहीं है ना कि मुख्यमंत्री आजम खान के ऊपर नैतिकता लागू होगी, बंसल जी के ऊपर नैतिकता का तकाजा दूसरा होगा जी। वो तो स्वीकार कर रहे हैं, वो तो सुनिए, रेलवे क्षेत्र के भीतर कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी होती है रेल मंत्री की, रेल विभाग की। रेलवे का क्षेत्र कितना बड़ा होता है, रेलवे का क्षेत्र लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जीआरपी की जिम्मेदारी बनती है, और इस पर जांच करा ली जाए। 3.5 करोड़ लोग स्टेशन पर नहीं आ सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो ध्यान दें। और इस तरीके से सारे लोग इकट्ठे चलेंगे और पूरा रेला चल देगा तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना की हम लोग भी सदमे में हैं, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर वहां इलाहाबाद न पहुंचना, मुझे लगता है इस दुख की घड़ी में उनको साथ पहुंचना। अनुप्रिया पटेल साहब उनसे जवाब जानना। अनुप्रिया जी ये क्या चल रहा है, हम लोग केवल टोपी ट्रांसफर करते रहेंगे, 36 लोगों की जान चलेगी, सरकारी आंकड़ा 39 लोग जख्मी है, हम लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर खड़ों का राजनीति कर रहे हैं, 20 रुपए कफन, 1200 रुपए में बिक रहा है वहां पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रेल मंत्री जी का पूरा बयान सुना है और इतना हास्यास्पद है, कहीं ना कहीं बार बार ये बात कह के मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, कोई यहाँ सियासत ना करे, उनकी बातें ऐसे लग रही हैं कि जैसे वो अपनी खाल बचाने की बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं। सियासत से वो समझते क्या है, सियासी लोगों की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आज अगर इतनी बड़ी दुर्घटना इलाहाबाद के कुंभ के दौरान घटी है तो सियासी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता के साथ कुछ भी गलत हुआ है, चाहे उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसके लिए आवाज उठनी चाहिए। आज 36 लोगों की मौत हो गई है, 39 लोग घायल हुए हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। हो सकता है जमीनी हकीकत कुछ और हो, और आज अगर रेल मंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर ये कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आवाज नहीं उठनी चाहिए, सब लोग खामोश हो जाए, ये कहना बंद कर दे, इस हादसे के बारे में कोई बोलना बंद कर दे, ये क्या मजाक हो रहा है? 1200 रुपए में अमिताभ जी, क्या मजाक हो रहा है? मुझे तो मजाक ही लग रहा है, राजनेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रही है अमिताभ जी, उसको मुझे लगता है मजाक हो रहा है। मैं इस पूरे दुर्घटना को कल से 7:30 बजे से जब से इसको देख रहा हूं, इससे जुड़ी खबरों को, इससे जुड़े मामलात को, मुझे लगता है कि चूक सब तरफ से हुई, न रविदास मल्होत्रा जी बरी हो सकते हैं और न हमारे कांग्रेस के साथी बरी हो सकते हैं, अशोक सिंह कोई बरी नहीं हो सकता। मैं 5 बातें कहूंगा और उन बातों में सब कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। सबसे पहली बात, क्या हुआ कुंभ में कल, मौनी अमावस्या पर मेला क्षेत्र में भीड़ हो गई ज्यादा, तो मेला क्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सौरभ श्रीवास्तव वहां थे, ये इस बात की पुष्टि करेंगे, उसने अपनी प्रायोरिटी क्या रखी कि मेला क्षेत्र खाली कराओ, मेला क्षेत्र खाली कराओ, आधा नहाया उसको भी भगा दिया, बोले चलो बाबा हो गया पुण्य हो गया, तो निकलो। तो पुलिस से मेला क्षेत्र तो आपने वहां से तो टेंशन रिलीज कर दिया, लेकिन मेरे भाई ये तो आपको बुद्धि से सोचना चाहिए था कि ये जो लोग हैं ये ना तो आकाश में जाएंगे ना पाताल में जाएंगे, ये अगर मेला क्षेत्र से जाएंगे तो कहां जाएंगे, बस अड्डे और स्टेशन।
यही तो होगा। तो वहां एक अवैज्ञानिक तरीके से मेला क्षेत्र जब आपने वहां से टेंशन रिलीज करने की कोशिश की तो उसका बाय डिफॉल्ट जो वो था वो प्रेशर आया स्टेशन पर। ठीक बात है। अब स्टेशन पर आपने कहा कि जी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक बात है, 3.5 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर आएंगे ये बात तो सबको पता थी, हिंदुस्तान भर को पता थी, वेबसाइट पर भी थी कुंभ मेला की कि अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या, ये कोई नई बात है। कुंभ पहली बार लगा, औरंगजेब के समय भी मेघ कुंभ लगता था, 52 में पंडित जी नहाने आए थे, भरद्वाज आश्रम में जाके पूजा अर्चना भी की थी, तब भी कुंभ लगा था और आज भी कुंभ लग रहा है और हजारों साल बाद तक लगेगा। पहली बार ऐसा हुआ। स्टेशन पर आपने क्या किया? स्टेशन पर आपने कहा कि भाई भीड़ ज्यादा हो गई। मैं पूछूं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से, आपने स्टेशन को कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया? एक संख्या से ज्यादा लोग स्टेशन नहीं जाएं, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? इसकी व्यवस्था के लिए पार्लियामेंट से प्रस्ताव आएगा क्या? ये तो वहां जो दरोगा एसपी कप्तान डीआईजी आईजी डीएम कलेक्टर कानून को जो तैनात है ये उसकी जवाबदारी थी। तीसरी बात, मेला पुलिस, रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस तीनों के बीच में कोई तालमेल नहीं। कल रात से मैं देख रहा हूं कोई तालमेल नाम की चीज नहीं, इसलिए हादसा गंभीर रूप ले गया। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूं, जो मेरे रिपोर्टर्स ने इसका गला बैठ गया बोलते बोलते कल रात से आज तक लगातार, सौरभ श्रीवास्तव आप सबसे पीड़ा की बात जिसमें सब दोषी मैं कहूंगा, इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा समारोह इलाहाबाद की धरती पर और स्टेशन पर कंटिजेंसी प्लान क्या? रशीद मसूद साहब मंत्री रहे हैं, अनुप्रिया पटेल राजनीतिक परिवार से हैं, रविदास जी पुराने राजनेता हैं, ये लोग इस बात से सहमत होंगे, कंटिजेंसी प्लान क्या था स्टेशन पर मुझे बताइए? स्ट्रेचर नहीं था, स्ट्रेचर एम्बुलेंस, एक सेकेंड, एम्बुलेंस नहीं थी, चद्दर में घायलों को उठा के 4 लोगों ने इधर से पकड़ा इधर से ले गए हैं अस्पताल। इस ये कुंभ की तैयारी हुई थी, कुंभ का बजट अभी यहां बताऊंगा, ठीक बात, तो बड़ी विचित्रता होगी, कुंभ का हजारों हजार करोड़ रुपया कहां गया अगर वहां स्ट्रेचर नहीं, वहां एम्बुलेंस नहीं, क्यों नहीं? मसूद साहब, घर में अगर 1000 आदमी इकट्ठा होता है मोहल्ले में तो भी इस बात की व्यवस्था की जाती है, रामलीला कहीं लगती है तो भी इस बात की व्यवस्था होती है। सरकार ने व्यवस्था करने के लिए, मैं जवाब दे रहा हूं अमिताभ जी, मैं रशीद मसूद साहब से बात करना चाहता हूं। सिंह साहब, आप हमारे साथ 1 घंटे के लिए हैं, वो आधे घंटे के लिए। रशीद भाई नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं मुझसे, खासतौर पर मैं उनके बेटे की उम्र का हूं लेकिन तब भी नाराज बहुत हो जाते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते। रशीद मसूद साहब, इतनी अव्यवस्था क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होता हूं। देखिए, ये तो आपने खुद ही एक बात को एग्री कर लिया है, जो हादसा हुआ है तो अफसोसनाक है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। और हादसा हुआ क्यों है उसकी वजह मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जब मेले की शुरुआत से पहले ये बात तैयारी हो गई है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में और मेले के एडमिनिस्ट्रेशन में कि वन वे ट्रैफिक चलेगा और एनक्लोजर्स बना दिए गए, उसमें डिफरेंट रंग कर दिए गए, लोग वहां आकर के उन डिफरेंट उसमें ठहरे और वहां से वो अनाउंस करते थे कि फला उसके लिए फला प्लेटफॉर्म पर लोग चले, यानी गलती राज्य सरकार की, कुल्ला के मतलब ये हुआ ना, गलती आजम खान साहब की। इस दिन मुझे नहीं पता कि कल किस वजह से जो सिविल लाइन की तरफ का था गलती कर दी, इस वक्त गलती निकालने का नहीं मसला है, वो तो इंक्वायरी हो रही है, गलती सबका पता चल जाएगी किसकी गलती है किसकी नहीं है। हाँ। लेकिन जो बेसिक वजह है, हाँ, बुनियादी वजह इस हादसे, हाँ, की वो वही, हाँ, है कि जब ये तय हो गया था कि सिविल लाइन से एंट्री नहीं होगी तो सिविल लाइन से एंट्री क्यों हुई? सौरभ श्रीवास्तव, जरा लोगों से सिर्फ छोटा सा सवाल पूछिए कि उनके हिसाब से क्या रेलवे की गलती है या राज्य सरकार की गलती है? सिर्फ छोटा सवाल, एक लाइन का पूछिए सब लोगों से जल्दी से। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये कल शाम में जब घटना हुई स्टेशन में मौजूद थे, तब से लेकर के यहाँ पर आए हैं, लाशों को अंदर ले जा रहे हैं, घायलों को अंदर ले जा रहे हैं। बस आप ये बताइए, इस पूरे मामले में राज्य सरकार की गलती है या रेलवे प्रशासन की? रेलवे प्रशासन की।
रेलवे प्रशासन गलती क्यों लगती है आपको? क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं किया है वो, यहाँ कुंभ मेले में व्यवस्था थी, वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं किया गया था। ये बता रहे हैं कि कुंभ मेले में व्यवस्था थोड़ी बहुत की गई थी लेकिन वहां पर कोई व्यापक व्यवस्था नहीं थी, रेलवे प्रशासन की ये गलती बता रहे हैं। जी, रेलवे प्रशासन की गलती बता रहे हैं। कुंभ में व्यवस्था थी, कुंभ में हमारे आधा दर्जन रिपोर्टर लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं माननीय अशोक सिंह साहब, लेकिन रेलवे आधा दर्जन बार आग लग चुकी है कुंभ में। अतुल जी, आधा दर्जन बार आग लग चुकी है, प्रशासन में फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं हो पाया। 800 करोड़। अरे भाई अशोक सिंह साहब, अगर आग लगी तो वहां पे कोई मरा तो नहीं ना? नहीं, आग लगी मर नहीं गया ये नहीं, 6 बार आग लगी ना, आधा दर्जन बार फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं हुई। 6 बार आग नहीं लगी, 6 बार आग नहीं लगी। अशोक जी बहस गलत दिशा में जा रही, बहस अगर वहां लगी तो क्या कल के हादसे को आप सही करार दे रहे हैं? बहस गलत दिशा में जा रही है, हम सही करार अमिताभ जी नहीं दे रहे हैं। नहीं अशोक जी, एक सेकंड सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है अशोक जी की जिम्मेदारियां, ठीक है कि रेल मंत्री ने अपनी बात को रखा है, जांच हो रही है, हमने व्यवस्था की है, सारी गाड़ियां जितनी गाड़ियां चली सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं मांगी रेल मंत्रालय उतनी व्यवस्थाएं की हैं। रविदास जी जब सारी व्यवस्थाएं हुई हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया गया, तब ये सब हादसा क्यों हुआ? देखिए सब कुछ तो मिला आपको, दावे कर रहे हैं ये लोग। देखिए मेल जो गाड़ियां आनी थी मेल एक्सप्रेस की, वो गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी और मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि इतनी अधिक व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे थे। अगर वहां पर ट्रेनों की व्यवस्था और अधिक हुई होती तो यह हादसा नहीं हुआ था। एक साथ बहुत भीड़ थी, ट्रेनें कम थी और ट्रेनें कम होने के कारण से यह हादसा हुआ। और ये जब जांच होगी पूरी तो इस जांच में सब बातें आएंगी और जो लोग जांच के जिम्मेदार हों, जो दोषी हों। अच्छा रविदास जी, कार्रवाई रुकिए, मैं एक बात रविदास जी से पूछूं जी। इतना बड़ा संगम, दुनिया का सबसे विशालतम जनसमूह का एकत्रीकरण दुनिया में कहीं नहीं होता, उसका सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या, ये तो सबको पता था, इसके लिए तो इंटरनेट खोलने की जरूरत थी नहीं। जी नहीं। तब रेलवे स्टेशन पर स्ट्रेचर और एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, एक सवाल। और दूसरा सवाल, मैं ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं को नजदीक से देख चुका हूं एक रिपोर्टर के नाते, इसलिए मैं सवाल भी उठा रहा हूं। जब इलाहाबाद में आपको पता है कि भाई 2 करोड़ आदमी आ जाएगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी, 3 करोड़ आ जाएगा तो अव्यवस्था का क्वांटम और बढ़ जाएगा, और 4 करोड़ हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा, ये तो सबको पता है, सिपाही से लेके और डीजीपी तक और पार्षद से लेके और राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक सबको पता है ये सत्य। तो भीड़ को प्रतापगढ़ और जौनपुर में क्यों नहीं रोका गया, क्यों इतने लोग क्यों आने दिए गए फिर, ये बड़ा सवाल है। आज नहीं तो कल इस सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा। और मैंने देखा, मुझे सबसे सही उत्तर केवल जावेद उस्मानी का लगा, चीफ सेक्रेटरी यूपी का, जिस आदमी ने कम से कम इतना नैतिक साहस तो किया कि हां लोग मरे हैं तो गलती तो हुई होगी, और क्या गलती हुई उसकी जांच करा रहे हैं हम। कम से कम उस आदमी ने इतनी बात की, मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, कि हमारी कोई गलती नहीं है, दूसरा कह रहा हमारी भी गलती नहीं, और मैं अब आप देख रहा हूं ये 36 लाशें हमारे सामने है, ये लोग कैसे मर गए? अगर किसी की कोई गलती नहीं तो लोग कैसे मर गए? आकाश से बिजली तो गिरी नहीं ना, अकस्मात भीड़ भी नहीं आई कि भाई अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ गई, ऐसा नहीं। अखबारों की कटिंग में दिखा दूं जिसमें लिखा है कि भाई 3.5 करोड़ मौनी अमावस्या पर नहाने आएंगे ऐसा अनुमान है, और 1.60 करोड़ बसंत पंचमी पर, और 2.27 करोड़ लोगों का अनुमान है महाशिवरात्रि पर। ये तो था अनुमान, सरकार के पास था, दिल्ली की सरकार के पास भी था, लखनऊ की सरकार के पास भी था, ये अनुमान तो था। अप्रत्याशित क्या हुआ मुझे कोई ये बताए, जो कुंभ नहाने आया वो वापस नहीं जाएगा स्टेशन, जाएगा, इसमें अप्रत्याशित क्या था? नरोत्रा जी, जी नहीं, निश्चित रूप से जो दुर्घटना हुई है उसमें तो बड़ी गलती है ही, अब बड़ी गलती किसकी है ये जांच होगी, और जांच में जो लोग जिम्मेदार हैं, ये तो पूरा देश जान रहा है, हम और आपका कहें देश जान रहा है कि जो लोग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मिलने के बाद ये कहा कि आप सब लोग जानते हैं कि गलती किसकी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या आप भी जानते हैं? जी स्पष्ट है, प्लेटफार्म के ऊपर घटना घट रही है, रेलवे का प्लेटफार्म है, दोषी कौन होगा
ये पूरा देश जानता है कि रेलवे स्टेशन पर अगर ये घटना कुंभ में नहाते वक्त हुई होती, इतने सारे सवाल अमिताभ जी ने पूछे, रविदास जी कोई जवाब नहीं दिया। मैं सहमत नहीं, जवाब दे रहे हैं अगर इस प्रेशर वहां नहीं